हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम एक नए इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो इंडिकेटर इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने उसको सही से यूज़ कर लिया तो 50% एंट्री और एग्जिट वही डिसाइड कर लेगा और 50% एक्यूरेसी भी आपके ट्रेड में वो बना देगा। तो उस इंडिकेटर का नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट। तो इस इंडिकेटर की हेल्प से आप अपना एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस इंडिकेटर के बारे में और ज्यादा कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, कहां से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन सी चीजों की आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली है और कौन सी अननेसेसरी इसके अंदर रहने वाली है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ट्रेडर्स, अभी निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है, साथ ही साथ जो आपके सामने कैंडल और पैटर्न के बे में एक चार्ट लग चुका है। मोस्टली आप भी इसी तरह के चार्ट अपने स्क्रीन पे देखते होंगे जब भी आप ट्रेड करते होंगे। तो आज हम जिस तरह से डिस्कस करने वाले हैं ADX इंडिकेटर के बारे में, तो इंडिकेटर को आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? अभी जो प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है ये ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म है। आप सिंपली यहाँ पे स्टडी के पोर्शन पे जाएंगे और स्टडी पे पोर्शन पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहला जो आपको इंडिकेटर दिखने वाला है ये है ADX नाम के इंडिकेटर का। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ADX के अंदर अननेसेसरी भी रहने वाली है जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं जब आप ट्रेड करेंगे, तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप वो रिमूव कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके काम की है। अभी देख लेते हैं किस तरह से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने सेटिंग पे क्लिक करा, मैं आज की ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली जो चीज़ आपको दिख रही है वो है पीरियड 14, देन स्मूथनिंग 14। ये जो 14 का रेशो है ये आपको 14 रीसेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे आपको एक्यूरेसी और मूवमेंट की डायरेक्शन बताता है ये किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। जितना ये ज़्यादा रहने वाला है उतनी एक्यूरेसी बढ़िया रहने वाली है। बट इंट्राडे के एस्पेक्ट से क्या होने वाला है कि आपको शॉर्ट टर्म में देखना है, जितना आपको जल्दी ट्रेड मिलेगा, वन डे का आपका व्यू है तो आपको 14 ही रखना चाहिए और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी भी 14 के साथ ही आती है। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको दिख रही है शेडिंग एंड हिस्टोग्राम, अभी मैं दिखा देता हूँ इन दोनों को यूज़ करेंगे तो क्या दिखेगा। शेडिंग एंड हिस्टोग्राम मैंने जैसे ही सिलेक्ट करा, सबसे पहले आप देखिए ये जो शेडिंग है इसको बोलते हैं शेडिंग। रेड मीन्स डाउनसाइड का मूवमेंट, ग्रीन मीन्स अपसाइड का मूवमेंट। इनके बीच का जो एरिया जब ग्रीन कैंडल ऊपर से नीचे को कट करेगी और रेड नीचे से ऊपर को कट करेगी तो रेड कलर की शेडो बनती है। यहाँ पे आप देखेंगे जब ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर को कैंडल क्रॉस करेगी और ऊपर से रेड नीचे को क्रॉस करेगी तो जो बीच का एरिया बनता है तो वो ग्रीन बनता है। दैट मीन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये मैं रेड कैंडल से रेड कलर से कोशिश करूँगा एंड दूसरा मैं आपको ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश करूँगा, इस तरह का जो एरिया रहने वाला है, ये जो एरिया बनने वाला है ये ब्लू या ग्रीन एरिया रहने वाला है। आप कलर इसका कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और ये जो एरिया रहने वाला है ये एरिया रेड कलर का रहने वाला है। तो यहाँ पे मींस कि आपका मूवमेंट जो है डाउनसाइड है और यहाँ पे मींस कि मूवमेंट अपसाइड है। अब ये चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती है। अभी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपने शेडिंग एंड हिस्टोग्राम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये अननेसेसरी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्लस दिया है, माइनस दिया है, और इन दोनों का यूज़ सिर्फ और सिर्फ बार के कलर्स के लिए डिसाइड हो रहा है। जो भी ये लाइन बन रही है, अगर ये रेड कलर का है तो ये वाला माइनस डी आई वाला है, अगर ग्रीन कलर का है तो प्लस डी आई वाला है। मीन्स कि प्लस में अगर ये ऊपर जा रहा है ग्रीन कलर का तो मूवमेंट जो है पॉजिटिव साइड में हो रहा है, अगर डाउन में जा रहा है तो मूवमेंट नेगेटिव साइड में हो रहा है। सिमिलरली इसके अपोजिट रेड हो जाएगा, अगर रेड डाउन जा रहा है तो मूवमेंट ग्रीन वाली साइड हो रहा है, अगर रेड ऊपर जा रहा है तो डाउन साइड को मूवमेंट हो रहा है। ये भी आपके लिए यूजलेस है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने वाइट कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके भी वाइट कलर सेलेक्ट करना है तो ये सिंपली आपकी स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे सिंपल एक ही लाइन दिख रही है और वो है ब्लैक कलर की लाइन। ये ब्लैक कलर की लाइन ही एक मैजिक लाइन है जो आपकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब डिसाइड कर रही है। अभी मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या इसका रेशो रहता है, कहाँ पे एंट्री बनती है और कहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। अभी मैं ADX की रेंज आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो 0 to 25 आती है,
सेकंड जो कैटेगरी आती है वो 26 से लेके 50 के बीच में आती है, थर्ड आपकी 51 से 75 एंड फोर्थ जो कैटेगरी आती है वो 76 से लेके 100 के बीच में, ये इसके बीच में ही हमेशा से आपको देखने को मिलेगा। ये जो 0 टू 25 वाली रेंज है मोस्टली आपको 0 टू 50 में ही सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। 0 टू 25 मीन्स कि ट्रेंड अब ऊपर वाली साइड जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, 50 के आसपास हो तो यहाँ पे इसको आप रिवर्सल के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। 0 टू 25 स्ट्रेंथ अभी मूवमेंट की वीक है, 26 टू 50 स्ट्रेंथ अभी स्ट्रॉन्ग है, 51 टू 75 स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और 76 टू 100 स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन रेंज के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना लेवल तक मूवमेंट आ चुका है, किस लेवल पे मूवमेंट पहुंच चुका है, कहां पे एग्जिट बनाना है। अभी मैं आपको और कंफर्म करने के लिए चार्ट पे भी दिखा देता हूं। तो चार्ट पे आप जब देखेंगे यहां पे समवेयर आप देखेंगे इसकी रेंज आपको सबको दिख रही होगी कितनी है, 9 के आसपास। यहां से देखिए ये ऊपर वाली साइड जाना शुरू कर रहा है, कंटिन्यूटली ऊपर वाली साइड जा रहा है और 42 के आसपास तक पहुंच गया। यहां से आप सिंपली देखिए ये नहीं बता रहा कि मूवमेंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपको यहां पे बस एक चीज कंफर्म करनी है, ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही मूवमेंट होना चाहिए। दैट मींस 9 या 10 या 11 या 12 के आसपास अगर इसकी वैल्यू है तो वहां से वो बढ़ेगी ही, जीरो पे कभी आने वाली नहीं है। तो वहां से जब ये बढ़ना शुरू होगी, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक उसकी वैल्यू बढ़ रही है और ADX की वैल्यू भी बढ़ रही है तो आप एंट्री बना लीजिए उस साइड, बिकॉज वो मूवमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करने के लिए बता रहा है और मूवमेंट उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है ADX के अंदर। अगर वो डाउन ट्रेंड में है, जिस तरह से आजकल निफ्टी या बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड कर रहे हैं और ADX की वैल्यू बढ़ रही है, 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास ADX की वैल्यू 9 थी, 10 थी, 11 थी और वहां से वो बननी शुरू होगी 14, 15, 16, 17 के आसपास जाना शुरू होगी और ट्रेंड डाउन साइड में है तो आप डाउन साइड को एंट्री बना लीजिए। वहां पे आपको ये नहीं देखना कि ये ऊपर वाली साइड जा रहा है ADX, पर निफ्टी या बैंक निफ्टी तो डाउन जा रहा है, ये सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये चीज़ कन्फर्म रहनी चाहिए और माइंड में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ADX की वैल्यू बढ़ेगी, मूवमेंट आइदर अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, पर मूवमेंट में एक स्ट्रेंथ जरूर है, ये ADX की रिप्रेजेंटेशन रहती है। दूसरी इसमें एक चीज रहती है कि आपने एग्जिट कब लेना है। जब भी ADX की वैल्यू 40 से लेकर 50 के बीच में पहुंच जाए तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, 99% टाइम यहां से ये रिवर्स हो जाएगा। यहां पे आप देखिए ऑलमोस्ट 42 के आसपास है, देन आप देखेंगे डाउन साइड आता रहा और 9 के आसपास पहुंच गया और देन 9 से अगेन ये 42 पहुंच गया। तो आपने एक ही दिन में देखा 42 से 9, 9 से 42। तो जब 42 पे था तो आप वहां से और ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, आप ये मत देखिए कि 100 कब जाएगा, ये 40 से रिवर्स ही आएगा। तो आपने एंट्री बनानी है 15 से बिलो होना चाहिए, 12 से बिलो होना चाहिए और आपने एग्जिट बनाना है जब 40 प्लस चला जाए। तो ये सिंपली ADX इंडिकेटर को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स आज की वीडियो हमने सीखा किस तरह से हम ADX इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, एंट्री कैसे बना सकते हैं, एग्जिट कैसे बना सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे ले सकते हैं, टारगेट कैसे ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले ट्रेडिंग डेज में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले दिनों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।